जो इन्होंने एजेंसी हायर की उस एजेंसी ने भी अब इसके दबाव में, और सारी एजेंसियां एक ही बेस की हैं, अगर आप उसके इतिहास में जाएंगे, हम नाम वाम नहीं लेंगे, लेकिन सारी एजेंसियों का बेस एक है। अब एग्जाम में पेपर लीक होने की खबर सुनते ही सबके मन में व्यवस्था को लेकर काफी सवाल उठते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसी खबरें कुछ ज्यादा ही आने लगी हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि इससे देश के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा। महीनों तक परीक्षा के लिए मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के मन में इस बात का डर बना रहेगा कि पेपर लीक भी हो सकता है। ठीक वैसा ही इन दिनों मेडिकल के स्टूडेंट्स का हाल इस वक्त न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में है। पहले नीट मामले में गड़बड़ी के आरोप लगे, फिर कथित गड़बड़ी की जांच के लिए गठित एजेंसी की विशेष जांच टीम यानी SIT ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने पुलिस के सामने नीट पेपर लीक के लिए पैसे के लेन देन और सेफ हाउस की बात कबूल की है। वहीं अब इस मुद्दे पर सपा ने मोर्चा खोल दिया है। अंबेडकर नगर लोकसभा से सांसद लालजी वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, नीट परीक्षा में पूरी तरह से धांधली हुई है। सभी परीक्षाओं में जितनी भी एजेंसियां हायर की गई हैं, सबका बेस एक ही है। नीट परीक्षा रद्द करके पुनः कराई जाए। परीक्षा पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है, और मेरा ये मानना है कि जिस तरह के सारी परीक्षाओं जो इन्होंने एजेंसी हायर की, उस एजेंसी ने भी अब इसके दबाव में, और सारी एजेंसियां एक ही बेस की हैं, अगर आप उसके इतिहास में जाएंगे, हम नाम वाम नहीं लेंगे, लेकिन सारी एजेंसियों का बेस एक है। बड़े पैमाने पर केवल नीट में ही नहीं, जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, उन सब में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। इन विधि हमें बयान दिया ही है, और हम सब लोग कह रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं हुआ, इसको रद्द होना चाहिए और फिर से एग्जाम होना चाहिए। वह इस मामले पर आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि दो जगहों पर कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। नीट के संबंध में दो प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, दो जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, NTA की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और NTA में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय NTA का स्वायत्त संस्था था, लेकिन NTA की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है, लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड मिलेगा। आपको बता दें कि साल 2016 में पहली बार मेडिकल एंट्रेंस के लिए नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नीट की शुरुआत हुई। पहले 3 सालों में इसे CBI द्वारा संचालित किया गया, लेकिन साल 2019 से इन इम्तिहानों की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।